तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेके आए हैं एक यूनिक वीडियो फोटो एडिटिंग ट्रिक्स, जो कि इस वीडियो में हम आपको आज सिखाने वाले हैं। तो मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पर DM आ रहे थे कि गर्ल्स के लिए भी एक वीडियो बनाइए कल। तो आज हम सिखाने वाले हैं कि बैकग्राउंड में गर्ल्स के लिए फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी आपको लेना है एक नॉर्मल फ़ोटो, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले इसे करेंगे एडजस्ट। तो एडजस्ट करने के लिए आपको जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ क्रॉप्स वाला ऑप्शन। क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको करेंगे एडजस्ट। तो एडजस्ट करने के लिए मान लीजिए कि ये परफेक्ट रहेगा, इसको करेंगे डन। डन करने के बाद आपको करना है स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ स्टिकर वाला ऑप्शन। स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ सर्च बार वाला ऑप्शन। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है बैकग्राउंड में हम लगाने वाले हैं वो WOW। तो हम इसको देख लेंगे कि हम कौन सा वाला ऐड करने वाले हैं। तो चलिए हम ये वाला ऐड करने वाले हैं, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हम इस वाले स्टिकर को ऐड करेंगे। तो इसे ऐड करने के लिए इसको करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ करना है एडजस्ट। तो चलिए मैं अपने हिसाब से एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए आपको जाना है सबसे पहले इरेज वाले ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ बैकग्राउंड वाला ऑप्शन। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यह स्टिकर बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। और इतना करने के बाद फ्रेंड इसको करना है डन। डन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ओपेसिटी। इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर लेंगे और इसको डाउन करने के बाद यह बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद इसको करेंगे डन, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे करेंगे डन। डन करने के बाद आपको फिर से जाना है स्टिकर वाले ऑप्शन पर। स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सर्च करना है क्राउन। नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ये वाली इमोजी, जो कि मेरी फेवरेट है। तो इसे करेंगे डन। डन करने के बाद इसको करेंगे एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए हम इसको सबसे पहले यहाँ एडजस्ट। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन पर। स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और तो हमको ऐड करना है। अब मान लीजिए कि हम ऐड करते हैं ट्रस्ट, TRUST ट्रस्ट। तो इसे सर्च करेंगे। इसे सर्च करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ट्रस्ट वाला लोगो। तो इसे टच करेंगे। टच करने के बाद ये ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइनिंग में इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद फिर से जाएंगे स्टिकर वाले ऑप्शन पर और स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ट्रस्ट वाला स्टिकर। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको करेंगे फ्रेंड्स एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए हम इसको पैरों पर यहाँ एडजस्ट करेंगे। इसको यहाँ पैरों पर एडजस्ट करने के बाद हमको जाना है स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के बाद हमको जाना है इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ ब्लर वाला ऑप्शन। ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन, जो कि इस पर क्लिक करेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको करेंगे डन।
डन करने के बाद फ्रेंड्स आपको आपको क्या करना है, इस पर ज़्यादा फिल्टर हम ऐड करने वाले हैं नहीं, तो बिना फिल्टर के बहुत ही अच्छा एडिटिंग होगा। तो फिर आपको जाना है फिर से स्टिकर वाले ऑप्शन पर, स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है, इतना सर्च करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको करेंगे एडजस्ट। इसको एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी एडिटिंग, तो फ्रेंड्स एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।